नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में दूसरा डेड बॉडी पाने का कहानी। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे कि जब भी कोई सेलिब्रिटी मरता है और उनका मौत किस कंडीशंस पे होता है, तो बहुत लोग बहुत तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। और ख़ास करके SSR की डेथ पे बहुत लोगों ने बात किया कि कुछ नेपोटिज्म है, तो कोई किसी ने कहा ड्रग्स का कारण है, किसी ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कारण है, किसी ने कहा पॉलिटिकल इश्यूज है, किसी ने कहा सेक्स इश्यूज है, किसी ने कहा प्यार का चक्कर था, कुछ लोगों ने कहा गोल्ड डिगर है, किसी लोगों ने कहा कि पैसा का मामला था, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक चले गए कि ये डार्क नेट में इंटरनेट के डार्क नेट का कुछ चक्कर है, कुछ लोगों ने कहा मनी लॉन्ड्री का चक्कर है, किसी लोगों ने कहा कि पैसा का चक्कर है। तो ये सब क्या कहिएगा कि मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो उसी तरीके से कहते चला जा रहा है। लेकिन हाँ, SSR के कब मतलब कि मौत जहाँ पे हुआ था वहाँ पे एक दूसरा बॉडी था, इसका तो कंफर्मेशन तो लॉ को ऑलरेडी मालूम है कि वहाँ पे सेकंड डेड बॉडी था या नहीं था, और उनकी फैमिली को भी मालूम है कि वहाँ पे बॉडी था या नहीं था। लेकिन अगर लॉ नहीं कह रहा है, उसकी फैमिली नहीं कह रही है, और हम लोग मतलब जो वीडियो ब्लॉगर्स हैं उनको जो मन में आ रहा है कि भाई ऐसा था वैसा था, वहाँ पे डेड बॉडी था तो आलू पकोड़े था तो कुछ था, तो मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो कहते चले जा रहा है। दूसरा फनी बात ये है कि मतलब डेथ हुआ है तो हुआ है, वहाँ पे कुछ तो कारण से हुआ है। वहाँ पे मतलब एक हट्टा खट्टा मतलब सक्सेसफुल एक्टर अगर मर रहा है फांसी लगा के तो कुछ तो कारण तो हो गई है। और यहाँ पे जितने भी देखिए वीडियो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, ट्विटर ब्लॉगर्स हैं, जिसको मतलब ट्रैफिक बनाने के लिए मतलब पोस्ट करते चले जा रहे हैं डेली बेसिस में। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक घंटे पे मतलब SSR का फाइनल न्यूज़ निकल गया है तो ऐसा है वैसा है, SSR के डेथ का राज पता चल गया है तो मतलब पकौड़े मिल रहा है, तो कुछ भी मतलब तमाशा बना दिया है ये लोगों ने। ये तो मतलब फैक्ट है, मतलब जिसको मतलब फेक न्यूज़ बोलिए या मेडअप न्यूज़ बोलिए, मतलब यही है। मतलब हम लोग हिंदुस्तानी लोग जो है एकदम मसाला के मतलब मसाला न्यूज़ चाहिए, मतलब फैमिली को जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यूँ कहेंगे कि भाई इसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फलाना पॉलिटिशियन ऐसा है, तो फलाना एक्टर ऐसा है, तो लॉ ऐसा है, तो मतलब कहते चले जाओ मतलब। लेकिन रियली जो फैमिली है या जो मर गया है उसको कभी जस्टिस मिलने वाला नहीं है। मेरा इन कंक्लूजन यही है कि अगर इंडिया में जस्टिस है तो जस्टिस है, मिलेगा। कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ये तो हमारे लॉ मेकर्स लोग जो है वही बता सकते हैं। और SSR का डेथ हुआ है, जरूर हुआ है, किस कंडीशंस पे हुआ है, क्यों हुआ है, ये SSR के फैमिली को पूरे अच्छे तरीके से मालूम है और लॉ का भी मालूम है कि क्यों हुआ है, सबको मालूम है। कोई YouTube में आके कहने वाला नहीं है या Twitter में आके कहने वाला नहीं है, ऐसे किसी का मौत नहीं हो जाता है। और ये काफ़ी समय लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन सच आज नहीं तो कल आएगा ही है, ये सृष्टि का नियम है। महाभारत में जो हुआ उसका मतलब, या रामायण में जो हुआ उसकी सच्चाई आज भी हमारे सामने है। उसी तरीके से SSR का डेथ क्यों हुआ, किस कंडीशंस में हुआ, उसका भी आज नहीं तो कल न्यूज़ आ गई। यूट्यूबर्स को कोई सजेशंस नहीं है, आप लोग मज़ा लीजिए, मसाला खाइए, चाट पकौड़ी के समान। SSR का न्यूज़ पर बैठ के अपने चाय का एंजॉय कीजिए, ये चलता रहेगा और सभी यूट्यूबर्स और ये ट्विटर्स और जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं अपना मीडिया पे अपना ट्रैफिक बनाते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके कमरे में एक डेड बॉडी था या 100 डेड बॉडी था, उसके रूम में क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, ये पिठानी कौन है, तो फलाना ढकाना कौन है, तो संजय सिंह कौन है, कौन क्या कर रहा था, वो चलता रहेगा। इंडिया के सभी फैमिलीज़ के लिए एक ही मशवरा है, ये एसएसआर के डेथ के बाद हम लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए। अपने परिजनों जो लोग हैं, अपने बच्चे जो हैं पढ़ लिख के दूसरे बड़े बड़े शहर में जाके काम करते हैं, उनके साथ में हमेशा टच में रहिए, उनको प्यार दीजिए, उनको कभी छोड़ मत दीजिए। भले वो बहुत फेमस एक्टर ही ना बन जाए या कोई CEO ही क्यों ना बन जाए, उनके साथ में हमेशा टच में रहिए। ये हादसा अगर हुआ है एसएसआर के साथ में, तो वो कल आपके फैमिली के साथ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है, वी आर मेड इन इंडिया एंड जब रातों रात पैसा का डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, कृषि लॉ, फार्मर्स लॉ आ सकता है और अचानक हट भी सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मतलब इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री की कोई प्लेन पकड़ के टूरिस्ट बन के जाए और जाके एक ही दिन में सीख ले कि भाई इंडिया ऐसा है और आप अपना एक पर्टिकुलर कंक्लूजन बना लीजिए, ऐसा नहीं है। इंडिया थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड कंट्री है, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक रात में बैठ के आप इंडिया के बारे में नहीं सीख सकते हैं। तो हम दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, मेरा पहला वीडियो था एंड इसके बाद ये सेकंड वीडियो कई महीने तक मैंने यूट्यूब में और न्यूज़ चैनल में और गूगल में सब जाके मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया एंड ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। इसके बाद में एसएसआर के बारे में कुछ नहीं पोस्ट करने वाला हूँ, उसी दिन पोस्ट करूँगा जब कोई जस्टिस आएगा, तो मे बी वी विल ट्राई टू सेलिब्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट। लेकिन ओवरऑल दिस इज़ द एंड एंड याद रखिएगा अपने आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। एंड ऑफ द डे दिन के एंड में ये अपना परिवार ही है, भले वो परिवार क्यों ना 30 रुपया पर दिन कमाता हो या 30 लाख रुपया पर डे कमाता हो, भले वो रिक्शा वाला का फैमिली हो या इंडिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर परिवार ही क्यों ना हो, परिवार होता है। दिन में एक बार दो बार जो भी जितना समय आपके पास मिल सके आप अपने परिवार के साथ में टच पे रहिए। जेलसी बहुत ख़राब चीज़ है, इस सब चीज़ का इट्स अ रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। हिंदी में कहते हैं हम लोग कि अपना खाना भी छिपा के खाएं, तो यही है। दिस इज़ माई वाला, हमेशा ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए, मतलब अलर्ट रहिए और बस आई विश एवरीबडी योर बेस्ट ऑफ लक और दैट्स इट। नमस्कार।